नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हर्ष फ्राई वीडियो यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश टेक न्यूज एपिसोड में। ये है हमारा टेक न्यूज का 20 एपिसोड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर्ष फ्राई वीडियो यूट्यूब चैनल के 20 टेक न्यूज एपिसोड को। दोस्तों आज की पहली खबर की बात करें तो Xiaomi की तरफ से आ रही है। Xiaomi का जो आने वाला लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो है Xiaomi Mi 7। दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन लीक होकर सामने आए हैं। दोस्तों मैं आपको जैसा कि बता दूं कि Xiaomi का जो इस साल का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो है Xiaomi का Mi 6। दोस्तों ये चाइना में कब के लॉन्च हो चुका है लेकिन इंडिया में इसका कोई नामो निशान नहीं है, यानी दोस्तों आज तक ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। दोस्तों जो Mi 7 के स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि लीक के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में चेंज का डिस्प्ले, जो एक 18:9 वाला डिस्प्ले होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845। दोस्तों 845 तो अभी लॉन्च हुआ भी नहीं है, जब ये लॉन्च होगा तो देखेंगे क्या इसमें और देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो आज की पहली खबर Xiaomi की तरफ। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो वोडाफोन की तरफ से आ रही है। अगर आप कम पैसे में एक अच्छा प्लान खोज रहे थे, यानी सस्ते में एक अच्छा प्लान खोज रहे थे, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों वोडाफोन ने पेश किया एक 199 रुपीज का प्लान। दोस्तों इस प्लान के अंतर्गत आपको बेनिफिट देखने को मिलता है 28 GB डेटा, यानी 1 GB डेटा 28 दिन के लिए प्रतिदिन। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है, जिसमें आपको 1 GB डेटा प्रतिदिन 28 दिन के लिए देखने को मिलेगा और साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉलिंग। तो दोस्तों अगर आपके पास कम बजट है और आप एक अच्छा प्लान ढूंढ रहे थे बजट में ही, तो ये आपके लिए बहुत ही कमाल का प्लान है। दोस्तों अब आप चेक कीजिए कि आपके एरिया में वोडाफोन का नेटवर्क कैसा है। अगर अच्छा नेटवर्क है तो आप जाके इस प्लान को रिचार्ज करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रिलायंस जियो से बेटर प्रोवाइड कर रहा है आपको वोडाफोन। क्योंकि रिलायंस जियो में आपको देखने को मिलता है 149 रुपीज में 1 GB या 2 GB डेटा, लेकिन यहाँ पे आपको 28 GB डेटा 28 दिनों के लिए और साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉलिंग भी। दोस्तों अगले खबर की बात करें तो ये चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी हुआवे की तरफ से आ रही है। हुआवे का जो सब ब्रांड ऑनर है उसका जो एक स्मार्टफोन है हुआवे ऑनर 8 लाइट। दोस्तों ये ऑनर 8 का नीचे का वर्जन है ऑनर 8 लाइट, जिसको मई में 17,999 रुपए के प्राइस में इंडिया में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इसकी प्राइस में कटौती करके ये आपको 15,999 रुपए में उपलब्ध है। यानी आप इसमें 15,999 रुपए में खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है जो 15,999 रुपए के लाइक है। दोस्तों मैं अपनी फ्रेंकली ओपिनियन दे देता हूँ दोस्तों कि इससे बेटर आप ये खरीदना चाहते थे, यहाँ पे इससे बेटर आपको Mi A1 देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, 4 GB की रैम, EMUI 5.0। ये एक बहुत ही अच्छी UI है दोस्तों, बहुत ही रिस्पॉन्सिव UI है। क्योंकि जो मेरा जो स्मार्टफोन है Honor 6X, इसमें भी आपको इमोशन UI देखने को मिलती है EMUI 5.0, जो बहुत ही रिस्पॉन्सिव स्मार्टफोन है दोस्तों, यानी बहुत ही रिस्पॉन्सिव UI है। खैर आपकी मर्जी, अगर आप खरीदना चाहते हैं Honor 8 Lite का तो आप Honor 8 Lite को मात्र 16,000 में जाके खरीद सकते हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ये मैसेजिंग ऐप हाइक की तरफ से आ रही है। दोस्तों हाइक का एक डिजिटल वॉलेट है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाइक एक मैसेजिंग ऐप है इंडिया की, जिसकी एक डिजिटल वॉलेट भी है। दोस्तों इसने पार्टनरशिप किया है एयरटेल के साथ। दोस्तों अगर हाइक वॉलेट आप यूज करते हैं, हाइक का डिजिटल वॉलेट, तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पहले से ज्यादा ऑफर यानी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएगी अब, क्योंकि इसने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइक मैसेजिंग ऐप का डिजिटल वॉलेट है, उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने अब तक यानी इस महीने नवंबर तक 50 लाख से ज्यादा का लेन देन किया, वो रिचार्ज से भी, P2P से भी, यानी सब मिला के उन्होंने 50 लाख से ज्यादा का लेन देन किया। अब दोस्तों अब फ्यूचर में अगर एयरटेल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, तो यहाँ पे आपको सुविधा अच्छी देखने को मिल जाएगी। अगर आपका अकाउंट नहीं है हाइक पेमेंट डिजिटल वॉलेट में, अगर आपका अकाउंट नहीं है आप क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको यूज करना है तो। मैं तो यूज नहीं करता दोस्तों, आपकी मर्जी, आप चाहे तो इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है तो कुछ ना कुछ पहले के मुकाबले यहाँ पे सुविधा ज्यादा देखने को मिलेगी। दोस्तों अगले खबर की बात करें तो सैमसंग की तरफ से आ रही है। सैमसंग आने वाला जो स्मार्टफोन है डुअल कैमरा वाला, वो है सैमसंग गैलेक्सी A5 2018। दोस्तों इसके कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं, यहाँ से तो ये पता चलता है दोस्तों कि इस स्मार्टफोन में आपको पतले किनारे देखने को मिलेंगे, यानी बेजललेस स्मार्टफोन नहीं होगा दोस्तों, पतले पतले बेजल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये इन्फिनिटी डिस्प्ले हो सकता है दोस्तों। और आप जानना चाहते हैं Samsung Galaxy A5 2018 के बारे में ज्यादा डिटेल, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बनाया है, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल गया होगा दोस्तों। अब वहां जाइए और क्लिक कीजिए और देख लीजिए Samsung Galaxy A5 2018 के बारे में ज्यादा जानकारी।
दोस्तों अगले खबर की बात करते हैं वन प्लस की तरफ से आ रही। दोस्तों अगर पिछला जो सेल था वन प्लस का वो अमेजोन पे था दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ प्राइम मेंबर थे इलीगेबल वन प्लस 5T को खरीदने के लिए। दोस्तों अगर आपने वन प्लस 5T खरीद लिया, अगर आप प्राइम मेंबर थे, और अगर आपने नहीं खरीदा, आप खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों वन प्लस 5T की अगली सेल कल है। जी हाँ दोस्तों, कल आप कल वन प्लस 5T को अमेजोन पे से खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर इसके बारे में आप तो ज्यादा जानते ही होंगे, यानी इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में या फिर इसके ऊपर ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल गया होगा। दोस्तों आप आई बटन पे जाइए और क्लिक कीजिए इस वीडियो को और देख लीजिए वन प्लस 5T के ऊपर बनाया गया मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो। दोस्तों अगले खबर की बात करें तो एचएमटी ग्लोबल नोकिया की तरफ से आ रही है। दोस्तों नोकिया का जो बजट रेंज का स्मार्टफोन है नोकिया 2, यानी बहुत ही बजट, मतलब कम से कम बजट ये 7,000 में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप खरीदना चाहते हैं नोकिया 2 को, तो नोकिया 2 तो पिछले महीने के शुरुआत या अंत में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन नोकिया 2 को अब बिक्री के लिए उतारा गया है, यानी नोकिया 2 कल 24 नवंबर से सेल के लिए उपलब्ध होगा। दोस्तों अगर आप खरीदना चाहते हैं नोकिया 2 को, तो आप नोकिया 2 को खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं नोकिया 2 के बारे में ज्यादा स्पेसिफिकेशन, तो आपको आई बटन पर ऊपर लिंक मिल गया होगा, वहां जाइए और क्लिक कीजिए और देख लीजिए नोकिया 2 के बारे में ज्यादा स्पेसिफिकेशन। आप जानते हैं नोकिया 2 के बारे में ज्यादा स्पेसिफिकेशन, तो अच्छी बात है। दोस्तों अगले खबर की बात करें तो एप्पल की तरफ से आ रही है। एक रिपोर्ट सामने निकल गया है दोस्तों, इस रिपोर्ट के माध्यम से एप्पल ने यह बताया है कि उन्होंने आईफोन का जितना भी सेल किया इंडिया में, उसमें सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा योगदान आईफोन SE का था। तो आईफोन ने ऐसी जानकारी दी है कि वो आईफोन SE यानी SE जो उसका अपग्रेड वर्जन SE2 है, उसको इंडिया में 2018 के पहले तिमाही में ही लॉन्च करने वाली है। दोस्तों इस प्राइस फोन की प्राइस हो सकती है मेरे ख्याल से $450, यानी करीब 30,000 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा एप्पल का A10 चिपसेट, जो आपको आईफोन 7 में देखने को मिला था, 2 GB की रैम, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज में आपको देखने को मिल सकती है, और 128 GB वाला वेरिएंट भी इसमें आपको देखने को मिल सकता है, वही 12 MP का कैमरा और बाकी सब जो आपको आईफोन 7 में देखने को मिला था उसी प्रकार के कुछ स्पेसिफिकेशन में आपको देखने को मिलेंगे, और 4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आपको भी पसंद है SE और आप वेट कर रहे हैं SE सेकंड जनरेशन यानी उसका सेकंड वर्जन का, तो आप वेट कीजिए, ये आपको 2018 के शुरुआत या मार्च अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा, आप उसे खरीद सकते हैं। दोस्तों अगले खबर की बात कर रहे थे, Xiaomi की तरफ से आ रही है। Xiaomi ने हाल में ही सैमसंग को पिछाड़ के भारतीय मार्केट में स्मार्टफोन में ज्यादा सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने का कामयाबी प्राप्त किया, यानी फर्स्ट नंबर पे Xiaomi आ चुका है। दोस्तों इसी प्रकार से यानी इसीलिए Xiaomi ने यह एक स्मार्टफोन निकालने का सोचा है, जिसका नाम रखेगा देश का स्मार्टफोन। दोस्तों जैसा आपको देखने को मिलता है फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन कैप्चर प्लस, तो दोस्तों वो भी मेक इन इंडिया स्मार्टफोन है। जस्ट ऐसे ही आपको Xiaomi का जो स्मार्टफोन आने वाला है वो 30 नवंबर को लॉन्च होगा, ऐसा Xiaomi इंडिया के ट्विटर हैंडल पे देखने को मिला था। अब देखिए दोस्तों 30 नवंबर को Xiaomi क्या कमाल करता है देश के स्मार्टफोन के साथ, अब तो ये देखेंगे 30 नवंबर को ही। दोस्तों बात करें आज की अंतिम खबर की, तो ये आ रही है Huawei का सब ब्रांड Honor की तरफ से। Honor का जो लेटेस्ट स्मार्टफोन 28 तारीख को लॉन्च होने वाला है चाइना में, जिसका नाम है Honor V10। दोस्तों अगर इसमें इंडिया में बात करें तो इसका नाम होगा Honor 9 Pro। दोस्तों इसकी एक नई तस्वीरें सामने आई है, दोस्तों यह तस्वीरें यही है जो तस्वीरें जो लीक होके सामने आई है Honor V10 की। अब ये तो 28 नवंबर को पता चल ही जाएगा कि Honor 9 Pro असल में कैसा होगा, क्या स्पेसिफिकेशन उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे अगर आप जानना चाहते उसके बारे में ज्यादा स्पेसिफिकेशन या फिर ज्यादा डिटेल प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में जो लीक्स और रूमर्स पर आधारित है, तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल गया होगा। दोस्तों आप वहां जाइए और क्लिक कीजिए और देख लीजिए Honor V10 के ऊपर बने डेडिकेटेड वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको हमारे ओर से दिया गया टेक न्यूज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों आज के समाचार की सुर्खियां यहीं पर खत्म होती है, कल पुनः इसी बात प्रसारित होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।